नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और हम शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। 220 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड और 49,200 के नीचे इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और करीब करीब आप देखें तो 49,000 के नीचे लास्ट वीक मार्केट आया था। और फेड की मीटिंग से ठीक पहले बाजार दबाव में है, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि फेड ज़्यादा तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या अभी आपको गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में इस भाव पर एग्जैक्टली? गुड आफ्टरनून मित्र जी। डेफिनेटली पिछला हफ्ता थोड़ा सा पैसिमिस्टिक था, जिस दिन से हमने 1680 का एक माइटी लेवल था गोल्ड इंटरनेशनल में तोड़ते हुए देखा था। बट ये हफ्ते में हमें लगता है कि फेड की मिनट तक मार्केट एक दायरे में रह सकता है। बट ओवरऑल लोअर लेवल से जो रिकवरी हमने शुक्रवार के सेशन में देखी वो कायम होते हुए दिखाई दे रही, तो आज के लिए मुझे लगता है 49,000 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 49,500 का हायर साइड रहेगा, बट ये दायरा मेंटेन रहेगा फेड की मिनट से पहले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी गोल्ड में थोड़ी सी बाइंग बनती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 49,500 के टारगेट के लिए। आप कह रहे हैं कि 49,000 का भाव दिखे तो एक बार वहां पर बाई कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अलर्ट रहें क्योंकि इसी हफ्ते फेड की मीटिंग होनी है और इस बैठक में जो भी होगा उसका बड़ा इम्पैक्ट आपको गोल्ड की कीमतों पर दिखेगा। इसके अलावा अजय जी, चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी गिरावट पर बाइंग की इंट्राडे के लिए? बिल्कुल जी, जंग से जो प्रेशर हम शुक्रवार को देख रहे थे और लेट आवर्स के अंदर जो हमने रिकवरी देखी वो क्लियर है कि लोअर लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो चांदी में मुझे लगता है 56,200 के पुल बैक पे लेके चलिए, 57,200 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। बट फेड के मीट से पहले अगेन प्राइसेस ये बड़े रेंज में रहेगी, बट ट्रेंड धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा। ओके,